दोस्तों, तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ट्रिक गंडोला राइड बुकिंग करने के लिए। तो आप गुलमर्ग घूमने के लिए जा रहे हो और आपको गंडोला राइड बुक करना है, तो किस तरह से आप बुक कर सकते हैं, तो उसका इजी 3-4 स्टेप में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मैं अभी आपको लेके आया हूँ अपने गूगल स्क्रीन पर, लैपटॉप पर। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको सर्च करना है गंडोला राइड। तो यहाँ पे आ गए गंडोला राइड गुलमर्ग। तो उसकी वेबसाइट है www.jammukashmircablecar.com। तो जो पहली वाली ये वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसमें है पहला बुक नाउ का ऑप्शन, रिसेंट टिकट का ऑप्शन, कैंसिल टिकट का ऑप्शन, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कॉन्टेक्ट के लिए। तो फिर अपने को बुक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो अपने को ऐसा इंटरफेस दिखेगा, फेज़ वन और फेज़ टू। तो जो अपने फेज़ वन है गुलमर्ग से कंगदोरी का, और फेज़ टू है कंगदोरी से अफरवट का। तो दो वे में टिकट बुक होता है। यहाँ पे आप फेज़ वन पे क्लिक करेंगे। जैसे फेज़ वन पे क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पे आपने को कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज यानी 15 दिन तक का हम यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। तो हम एक वीक के मीन 4-5 दिन के बाद का डेट सिलेक्ट करते हैं, 31 जनवरी 2024। तो यहाँ पे नीचे स्लॉट दिखेगा, एक नंबर का, दो नंबर का, तीन नंबर का, टाइम के हिसाब से 9 बजे, 11:15 बजे और 1:30 बजे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 11:15 बजे तक का जो स्लॉट है उसमें जाइए, क्योंकि आप जहाँ से वहाँ रुके हो गुलमर्ग में, तो वहाँ होटल में चेकआउट करके यानी कि नाश्ता करके आप वहाँ से घूमने के लिए गुलमर्ग जाएंगे जहाँ गंडोला राइड होता है। तो एक आधा 1.5 घंटा लग जाएगा आने जाने का, मीन जाने का ही, और कुछ देखते ही जाएंगे सीन, तो आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो 11:15 वाला जो टाइम है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होकर जाने का। वहाँ आराम से पहुँच पाएंगे 11:15 बजे। तो सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 294 यानी इतना सीट जो है वो अवेलेबल है। तो अपन यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो हम नीचे करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट साइड में कि इंडिया पे सिलेक्ट करना है और फॉरेनर है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो हम इंडियन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। नीचे एक चीज़ लिखा हुआ है, 3 साल से नीचे का जो बच्चा है उसका टिकट नहीं लगेगा, उससे बड़ा कोई है तो उसका टिकट लगेगा। तो यहाँ पे है विजिटर वन। तो यहाँ पे एक साथ हम 3 से 4 लोगों का भी टिकट एक साथ में बुक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल ही बुक कर सकते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है विजिटर, उसका ऑप्शन डाल कर फिलहाल में भी एग्जाम्पल के लिए 2 विजिटर का ही टिकट बुक करने का मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरा डिटेल भर देता हूँ, और सेकंड विजिटर का भी मैं यहाँ पे डिटेल डाल देता हूँ। एक साथ में आप डिटेल डाल देना इधर। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालो, और यहाँ पे आपका जो रजिस्टर ईमेल आई डी मीन्स जो चालू है उसमें आपको टिकट मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में। मैंने यहाँ पे अपना जो डिटेल है वो मैंने फिल कर लिया है। तो फिर से वेरीफाई कर लो, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। नीचे समरी में देखो, फेज़ वन का टिकट आपको मिलने वाला है। तो बुक कर रहे हैं आप, 2 टिकट बुक किया है। विजिट का डेट चेक कर लो, और अमाउंट है यानी 800 × 2 यानी 1600, 1600 रुपये का 2 टिकट होगा, प्लस 10 रुपये एक टिकट का कन्वीनियंस फी है। तो कन्वीनियंस फी 20 रुपया, टोटल मिला के 16 से 20 रुपये आपको यहाँ पे देना होगा। यानी एक टिकट का, फेज़ वन का एक टिकट का प्राइस है 800 रुपीज़। और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे तुरंत आपको एक पेमेंट का जो पेज है वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आप अपने जो भी आपके पास अवेलेबल है पेमेंट सिस्टम, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड है, UPI है, और नेट बैंकिंग है, और व्हाट्सएप बैंकिंग भी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपने देखा वो था फेज़ वन टिकट बुक करने का तरीका। जैसे आप यहाँ पेमेंट करेंगे तो आपको तुरंत मोबाइल नंबर पे आपका मैसेज आ जाएगा, और जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो PDF आपको वहाँ पे एंट्री गेट पे दिखाना है, और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ भी दिखाना है, आप साथ में रखिए, उसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो वो दिखा के आपको वहाँ पे एंट्री करेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ फेज़ टू कैसे बुक करना, वो थोड़ा ध्यान से देखना है। तो अभी हम फिर से अपनी मेन स्क्रीन पे आ गए, जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन वाली। यहाँ पे हम फेज़ टू सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने फेज़ वन सिलेक्ट किया है तब भी आप फेज़ टू में जा सकते हैं, क्योंकि फेज़ वन का एंड जहाँ से होता है वहाँ से फेज़ टू का शुरू होता है। तो आपको फेज़ वन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से हम 31 जनवरी 2024 का डेट है वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते स्लॉट आपको मिलेगा 9 बजे से 3:30 बजे तक का, मीन्स के इसमें कोई सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे 507
टिकट है, जो 560 टिकट है वो खाली है। तो इसके लिए हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और सेम यहाँ पे जैसे हमने इंडियन का सिलेक्ट किया था वो रेड विजिटर, अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं दो विजिटर का ले रहा हूँ। यहाँ पे सेम अपने को अपना विजिटर का जो नाम है वो डाल देना है। वो डालने के बाद यहाँ पे अपने को सेम मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर जैसे ख़त्म हो गया, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है जो आपको वहाँ पे आपके साथ में है, और जो चालू ईमेल एड्रेस है, क्योंकि टिकट आपको ईमेल एड्रेस पे ही मिलने वाली है। और फिर से यहाँ पे जो समरी है वो आपको वेरीफाई कर लेनी है। फेज़ टू का रूट है, यहाँ पे दो टिकट है, विजिट का डेट सिलेक्ट कर लेना है, देख लेना है, और अमाउंट यानी कि जो फाइनल अमाउंट है। तो यहाँ फेज़ टू का पर पर्सन का अमाउंट है वो 1000 रुपीज़, फर्स्ट कन्वीनियंस फ्री हो 10 रुपया लगेगा, तो टोटल मिला के 1010 रुपया आपको एक बंदे का लगेगा। तो यहाँ पे मेरे को दो बंदे का 2020 रुपया दिखा रहा है टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे 1010 रुपये में आप कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट और प्रोसीड टू पे हम क्लिक करेंगे। तो फिर से यहाँ पे आपको पेमेंट का जो पेज है वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम फेज़ वन में बुक किया उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से आप टिकट का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दिखाया मैंने आपको फेज़ वन और फेज़ टू का टिकट बुक करने का तरीका। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आप बुक कर सकते हैं, आपके शेड्यूल जाने का जो है उसके हिसाब, तो आप ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए, एकदम ईजी तरीका है। जो इश्यू मैंने फेस किया था वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हमारे जो वहाँ पे जो मैंने टैक्सी किया था, टैक्सी के साथ एक गाइड भी हम लिया था, वो गाइड हमको बताता है कि अपने को टिकट बुक करने के लिए एक टिकट का 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जो मीन्स फेज़ वन का 800 रुपया है तो 50 रुपया वो एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि 50 रुपया हर एक टिकट का, अपन चार बंदे हैं तो 200 रुपया एक्स्ट्रा चला जाता है। और फेज़ टू का भी सेम एक टिकट का 50 रुपया एक्स्ट्रा, दोनों मिला के पर पर्सन एक टिकट का 100 रुपया अपने को एक्स्ट्रा लगता है। तो उससे अच्छा है कि आप चार पांच बंदे हैं तो आप खुद से टिकट बुक कर ले और 400-500 रुपये का आप सेविंग भी कर सकते हैं, वो आप कहीं पे खाने पीने में आप यूज़ कर सकते हैं। तो फोकट का कुछ देने से अच्छा है कि आप अपने जो गवर्नमेंट का साइट है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम दिया, तो उससे आप बुक करो। और कुछ दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है 9103058616, उसको आप कॉल भी कर सकते हैं। और जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप जाने वाले हैं गुलमर्ग घूमने के लिए तो ऐसा आप यूज़ करो, एक बार ट्राई करके देखो कैसा है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।